दोस्तों, अंजीर आप में से बहुत लोगों ने इस्तेमाल किया होगा और मार्केट से खरीद कर आप उसे घर पर उपयोग करने के लिए लाए भी होंगे। लेकिन अगर हम बात करें अंजीर की, तो इसे पैक कैसे किया जाता है, आखिरकार इसका बिजनेस क्या है, कैसे हमें पता चलेगा, तो चिंता मत कीजिए, इस बिजनेस के बारे में मैं आपको पूरी जानकारी देने वाला हूँ आईडी के इंडस्ट्रियल डॉक्यूमेंट्री में। यूनिट के अंदर हम लोग आ गए हैं, ये पहला स्टेप है। ये डिस्पैच पॉइंट भी है और रॉ मटेरियल कलेक्शन पॉइंट भी है, यानी जब ट्रक्स में लोड होकर रॉ मटेरियल आता है, यहीं पे उसे उतारा जाता है और आगे की प्रोसेस के लिए इंडस्ट्री के अंदर लेकर जाते हैं। बाकी जानकारी अंदर। दोस्तों, वीकेसी नट्स प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के अंदर हम आ चुके हैं और अब बारी है प्रोसेस की, कैसे अंजीर को प्रोसेस किया जाता है, हाइजीनिक तरीके से पैक करके मार्केट में सप्लाई किया जाता है, इसके बारे में डिटेल जानकारियां देने के लिए हमारे साथ हैं घनेन्द्रा पटेल जी। ये सीनियर एग्जीक्यूटिव हैं यहाँ पर और साथ ही क्वालिटी हेड भी हैं। नमस्कार, आईआईडी के प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम घनेन्द्र पटेल, मैं क्वालिटी मैनेजर एंड सीनियर एग्जीक्यूटिव हूँ। ये हमारे यहाँ पर अंजीर पैक हो रही है अभी। ये अंजीर हमारे प्लांट में जिस वक्त आती है, उस वक्त हम इसका इंस्पेक्शन करते हैं। हम इसको काफ़ी बारीकी से इंस्पेक्शन करते हैं। कभी कभी क्या होता है कि अंजीर के जो मिडल पार्ट होता है, उसमें कभी कभी इंसेक्ट का चांस होता है। तो जो हमारी क्यूसी टीम है, काफ़ी एक्सपर्ट टीम है, काफ़ी बड़ी टीम है, जो सारे रॉ मटेरियल को बारीकी से चेक करती है। ये अंजीर सबसे पहले हमारे यहाँ आती है, इसके बाद हम इसको कोल्ड स्टोर में रख देते हैं। जब कस्टमर की कोई रिक्वायरमेंट होती है, तब हम इसका प्रोडक्शन शुरू करते हैं। प्रोडक्शन शुरू होने से पहले हम कोल्ड स्टोर से माल निकालते हैं, वो हमारे इस टेबल पर आती है। क्यूसी वाले इसका क्यूसी चेक करते हैं, जो उसके पैरामीटर है इसके चेक करने के, उसके रिगार्डिंग सारे चेक करते हैं। चेक करने के बाद इसकी सॉर्टिंग ग्रेडिंग करते हैं। इसमें जितना भी कचड़ा है या दागी माल है, वो सारा माल हम सॉर्ट करके अलग करते हैं। इसके बाद हमें बैंक स्केल पर जितनी साइज में हमें इसको पैक करना है, उसी साइज में हम इसको पैक करते हैं। जैसे कभी 200 ग्राम की साइज में पैक हो रहा है, 300 ग्राम की में, 400 ग्राम की में, जो कस्टमर की रिक्वायरमेंट है, उसी के हिसाब से हम ये पैकिंग करते हैं। ये हमारे पॉली पाउच हैं, पॉली पाउच में हम इसको फिल कर देते हैं। ये पाउच जो हमारा है, ये पाउच फूड ग्रेड पाउच है, ये NBL सर्टिफाइड लैब से वेरीफाई पाउच हैं ये सारे। इसमें पैक होने के बाद, ये हमारी वैक्यूम मशीन है जिसमें हम अंजीर को वैक्यूम पैक करते हैं। ये वैक्यूम पैक हुआ, इसके बाद हमारा ये फाइनल FG में चला जाता है। और हमारी जो मशीन है, जो जितना बिजली कंजप्शन का है कि कितना करता है, तो ये मशीनों पर डिपेंड करता है। वैक्यूम मशीन है जिसमें हमारा कंप्रेसर भी यूज होता है, बाकी लाइट्स, फैंस, एसी वगैरह जो एडमिनिस्ट्रेटिव के लिए चलती हैं, तो लगभग मिनिमम हमारा 25 KVA तक बिजली कंजप्शन हमारा होता है। ये अंजीर का काम शुरू करने के लिए जो हमारी मैन पावर लगती है, वो लगभग 20 से 25 के बीच लगती है। सबका अलग अलग काम होता है, कुछ लोग सॉर्टिंग ग्रेडिंग करेंगे, कुछ लोग पैकिंग करेंगे और कुछ लोग रॉ मटेरियल उठा के लाएंगे स्टोरेज से। ये सारा प्लांट 4000 स्क्वायर फीट में है, जिसमें ये प्रोडक्शन एरिया है, ये सारा 1200 स्क्वायर फुट में है। हमारा एक RM एरिया है जहाँ पर RM मटेरियल स्टोर करते हैं, वो 1200 स्क्वायर फुट है। जो FG फिनिश गुड जहाँ पर हम स्टोर करते हैं, वो 1200 स्क्वायर फुट है। और साथ में जो एडमिनिस्ट्रेटिव के लिए जगह पड़ती है, वो हमारा 400 स्क्वायर फुट है। इतने सारे एरिया में एक सारा प्लांट सेटअप कर सकते हैं आप। किसी भी फूड प्रोडक्ट का प्रोडक्शन शुरू करने से पहले जो हमें लाइसेंस की जरूरत पड़ती है, फर्स्ट पे FSI लाइसेंस नंबर, और माल को खरीदने बेचने के लिए हमें GST नंबर, और हम इस माल को बैंक करके इसको भरते हैं तौल के, तो हमें नाप तौल विभाग से इसका सर्टिफिकेशन की जरूरत पड़ती है। और उसके बाद बाकी जो और डॉक्यूमेंट है, उसकी जानकारी के लिए आप IID को इन्फॉर्म कर ही सकते हैं। जैसे मैं इस इंडस्ट्री के अंदर एंटर हुआ, तो यहाँ के जो प्रोडक्शन मैनेजर थे, उन्होंने एकदम मुझे चेतावनी सी दी। उन्होंने कहा कि ये फूड इंडस्ट्री से रिलेटेड ये बिजनेस है
और अगर आप इस इंडस्ट्री के अंदर काम कर रहे हैं तो आपको ये हेयर नेक जो है वो पहनना पड़ेगा। उसके बाद मैंने सोचा कि यहाँ पे जो काम कर रहे हैं वर्कर्स उनके बारे में भी बात करें, उनसे भी पूछें कि कैसा काम चल रहा है, उनका क्या क्या डेजिग्नेशन है, क्या काम वो यहाँ करते हैं। नाम हमारा सहिता है, 9 बजे से 6 बजे तक ड्यूटी है। और क्या क्या काम होता है आपके? काम हमारे अंजीर के काम, बादाम का, रेजिंग, अखरोट, सारे काम होता है। कितने सालों से आप यहाँ पर हैं? मुझे 8 साल हो गया। जी सर, हमारा नाम संतोष है। संतोष है, तो संतोष जी आप बताइए कि आपको कितना समय हो गया यहाँ? मेरे को सर 5 महीने हुए हैं। 5 महीने हुए हैं, और कैसा रहा टाइम पीरियड आपका काम 5 महीनों का यहाँ पर? हमारा टाइम पीरियड तो सही रहा सर, और 9 बजे से 6 बजे तक ड्यूटी है। चलिए इंडस्ट्री के अंदर और आगे बढ़ते हैं और डिटेल जानकारियाँ प्राप्त करते हैं। दोस्तों अभी तक जो जानकारियां प्राप्त कर रहे थे वो घनेन्द्र पटेल जी से प्राप्त कर रहे थे। इन्होंने रॉ मटेरियल से लेकर मशीनों तक की प्रोसेस की सारी डिटेल जानकारियां आप तक और आईआईटी तक पहुंचाई। लेकिन अब सवाल है हमारा कि इन्वेस्टमेंट क्या होगी, क्योंकि सबसे ज़रूरी इन्फॉर्मेशन घनेन्द्र जी यही होती है कि किसी बिजनेस को शुरू करने के लिए हमें कितना पैसा लगाना पड़ेगा और उतना पैसा लगाने के बाद हम कितना प्रॉफिट कमा सकते हैं। तो सबसे पहले अंजीर बिजनेस की अगर बात करें तो अंजीर बिजनेस में हमें कितने इन्वेस्टमेंट की जरूरत होगी, अभी सिर्फ मशीनरी और इक्विपमेंट कॉस्ट की बात करते हैं। अभी जो मशीनरी और इक्विपमेंट के लिए और फिक्स एसेट्स के लिए जितना भी इन्वेस्ट होगा वो लगभग 25 से 30 लाख के बीच आपका इन्वेस्ट हो जाएगा। इस 25-30 लाख की मशीनरी कॉस्ट इन्वेस्टमेंट के साथ साथ अगर हम बात करें वर्किंग कैपिटल की, जो 1 से 2 या 3 महीने के लिए हमें बिजनेस को चलाना है, क्योंकि आप भी जानते हैं 90 दिनों तक मार्केट से पैसा वापस नहीं आता, तो क्रेडिट पे हमें 90 दिनों तक बिजनेस चलाना होता है। वर्किंग कैपिटल अंजीर के बिजनेस में कितना ज़्यादा चाहिए होता है हमें? वर्किंग कैपिटल पे तो हमें लगभग, अगर हम सारा देखा जाए कि हमें रॉ मटेरियल भी स्टॉक करके रखना है, साथ में हमने कुछ माल हमने कस्टमर को दिया है, उसका पेमेंट हमें 25 दिन बाद, 30 दिन बाद, किसी का 45 दिन बाद मिलेगा, तो ये सारा अगर हम बड़े लेवल पर, थोड़ा मीडियम लेवल पर करेंगे तो लगभग 70 से 80 लाख के बीच हमारा ये इन्वेस्ट हो जाएगा जी। और टोटल इन्वेस्टमेंट यानी करीबन 1 से 1.5 करोड़ तक, 1 से 1.5 करोड़ तक सारा हो जाएगा। अच्छा, प्रॉफिट बहुत मायने रखता है हर बिजनेस में, क्योंकि प्रॉफिट नहीं आएगा तो आप बिजनेस को सस्टेन नहीं कर पाएंगे, आगे बढ़ा नहीं पाएंगे, चला नहीं पाएंगे, अपने वर्कर्स को सैलरी नहीं दे पाएंगे। तो इस बिजनेस में प्रॉफिट कितना आता है सर? इसमें प्रॉफिट क्या है ना, एरिया वाइज डिपेंड करता है, प्रोडक्ट वाइज डिपेंड करता है। अगर हम फिक्की अंजीर की बात करें तो ये 5 से 6 के बीच हमें प्रॉफिट रहता है, 5 से 6% का प्रॉफिट। हाँ, 5 से 6% का प्रॉफिट। तो आप क्या सलाह देना चाहते हैं हमारे व्यूअर्स को, अगर वो इस बिजनेस को शुरू करें तो इस कम मार्जिन वाले प्रॉफिट वाले बिजनेस में आने के बाद कितने मास प्रोडक्शन पे आए, कितने मास लेवल पे काम करें ताकि वो प्रॉफिट को और इंक्रीज कर पाए? ये 5 से 6% प्रॉफिट है। इसमें मैन क्या, जितना भी हम इन्वेस्ट करेंगे, जितना हम प्रोडक्शन करेंगे, सेल करेंगे, उस हिसाब से मैं प्रॉफिट होगा जी। लेकिन अगर हम एवरेज प्रॉफिट की बात करें तो 5 से 6% प्रॉफिट है, इतना प्रॉफिट है। थैंक यू सो मच घनेन्द्र जी, आपने बहुत ज़रूरी जानकारियाँ हमारे आईडी के व्यूअर्स तक पहुँचाई, और मैं आशा करता हूँ कि जो व्यूअर्स हमें देख रहे हैं उन्हें इस बिज़नेस के बारे में सारी डिटेल जानकारियाँ जो हैं वो पहुँच गई होंगी और उन्हें इस बिज़नेस के बारे में समझ भी आ गया हो कि कैसे उस बिज़नेस को शुरू कर सकते हैं। दोस्तों फाइनली इस इंडस्ट्रियल डॉक्यूमेंट्री में हमने जाना अंजीर प्रोसेसिंग एंड पैकेजिंग बिजनेस के बारे में। आप कैसे इस बिजनेस को शुरू कर सकते हैं, बेसिक जानकारियां क्या हैं, रॉ मटेरियल कहां से प्राप्त कर सकते हैं, मशीनें क्या हैं, कितनी इन्वेस्टमेंट और कितना प्रॉफिट हम इससे कमा सकते हैं, ये सारी जानकारी मैंने आप तक पहुंचाई आईडी के प्लेटफॉर्म पे, आईडी के माध्यम से। और मैं आशा करता हूं कि मेरी दी गई जानकारियों से आप संतुष्ट होंगे और अपना बिजनेस शुरू करेंगे। ना सिर्फ बिजनेस शुरू करेंगे बल्कि देश के विकास में अपना संपूर्ण सहयोग भी देंगे। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, अगली बार फिर आपसे मुलाकात होगी एक नई इंडस्ट्रियल डॉक्यूमेंट्री में नई इंडस्ट्रियल जानकारियों के साथ। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाजत और देखते रहिए एंटरप्रेन्योर इंडिया टीवी। बाकी सभी इंडस्ट्रियल जानकारियों को अपने मोबाइल फोन पर नोटिफिकेशन के जरिए प्राप्त करने के लिए आप डाउनलोड करें हमारा ऐप एंटरप्रेन्योर इंडिया लाइव, और आप हमारी वेबसाइट www.iid.org.in पर विजिट कर सकते हैं, जहां पर आप प्राप्त कर सकते हैं हर इंडस्ट्री के बारे में डिटेल जानकारियां। और अगर आप हमारी इंडस्ट्रियल डॉक्यूमेंट्रीज, एक्सपर्ट एपिसोड और सक्सेस स्टोरीज को देखना चाहते हैं तो आप YouTube पर जाएं और हमारा चैनल एंटरप्रेन्योर इंडिया टीवी सब्सक्राइब करें, और बाकी जरूरी जानकारियां बची हुई हमारे स्क्रीन पर दी गई हैं, आप उनके जरिए भी आईडी से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मैं राहुल झा, साइन ऑफ फॉर द डे, थैंक यू सो मच।